कंचन के बेटे ऋषि की शादी कहीं नहीं हो रही थी। एक तो ऋषि मोटा, ऊपर से कमाई भी कोई खास नहीं, लेकिन कंचन को तो शौक था मॉडर्न बहू लाने का, और उसे एक दिन ऐसी लड़की मिल भी जाती है। हमें तो आपका ऋषि बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मेरी बेटी के शौक थोड़े से अलग है बहन जी। अरे बहन, हमें सब पसंद है, आपकी प्रियंका जैसी लड़की की तलाश मुझे कब से थी, जींस पहनकर अंग्रेजी में गिटर पिटर बोला करे। अरे बहन जरा सुन तो लो, मेरी बेटी के शौक क्या क्या है। अरे नहीं नहीं बहन, बस लड़की को देख लिया तो सब कुछ देख लिया। आप ना शादी की तैयारी करो, और वो जरा सामान की लिस्ट भी दी है ना मैंने। हाँ बहन जी, सारा सामान शादी से एक दिन पहले ही आपके दरवाजे आ जाएगा। मजा आ गया, अब तो बस आप शादी की तैयारी करो। प्रियंका के माता पिता के जाने के बाद कंचन का पति उससे कहता है, अरे भाग्यवान, तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखा रही थी शादी की। अरे बोलने तो देती, लड़की की माँ क्या बोलना चाह रही थी। अरे आप चुप रहिए जी, कुछ पता भी है आपको, बस मुफ्त में बोले जा रहे हैं। मेरी दोस्त शशि की बहू देखी, लंबी पतली और पढ़ी लिखी, हजारों में कमाई और संस्कारी भी। अरे पर जब वो मेरी बहू देखेगी तो जल भुन जाएगी। लेकिन तुम तो शादी ऋषि के लिए कर रही हो ना, या शशि के लिए? तुम्हारा लड़का कुछ कमाता भी नहीं है, और शरीर भी भगवान की दुआ से फूलता ही जा रहा है। फिर बोले आप हैं? फिर बोले आप? मैंने कहा ना, प्रियंका जैसी जींस पहनकर अंग्रेजी झाड़ने वाली बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। चुप रहिए आप। पति के लाख कहने पर भी कंचन ऋषि की शादी प्रियंका से करवा देती है, लेकिन प्रियंका जैसे ही घर में आती है वैसे ही जोर जोर से चिल्लाकर नाचने लगती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, अरे नाचो मां नाचो। आज मेरे यार की शादी है। कंचन, उसका पति और ऋषि ये देखकर हैरान रह जाते हैं। लग रहा है बहू को शादी की बड़ी खुशी है। हाँ बहू, क्यों नहीं, हम भी नाचेंगे। अरे नाचो नाचो जी, मुंह क्या देख रहे हो, चलो चलो नाचो, बहू कह रही है। कंचन ये कहकर प्रियंका के साथ नाचने लगती है। ऋषि और उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कंचन अपनी सहेलियों को प्रियंका से मिलवाने के लिए घर बुलाती है, जहाँ शशि भी आती है। अरे शशि कैसी हो, मैं ना तुम्हें प्रियंका से मिलवाती हूँ। अरे सच में बहुत ही एडवांस सोच की लड़की है, कितने मॉडर्न ख्यालात है उसके, पता है तुम्हें? अरे हाँ कंचन, जरूर, बच्चों की शादी अच्छी ही होनी चाहिए, और वैसे भी तुझे तो शुरू से ही ऊंचे ख्याल की बहू चाहिए थी। तभी कंचन की सहेली कहती है, अरे कंचन बुलाओ ना प्रियंका को, हम भी मिल ले। अरे बहू प्रियंका, जरा बाहर तो आना। कई बार आवाज देने के बाद भी प्रियंका बाहर नहीं आती है, तो कंचन को बुरा लग जाता है। वो उसे लेकर बाहर आती है, लेकिन ये क्या, प्रियंका लड़खड़ाती हुई बाहर आती है और उसके हाथ में शराब की बोतल होती है। हालांकि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और ये हमारी किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन कंचन की बहू प्रियंका पूरे नशे में होती है। अरे इतने सारे लोग। ये कहकर वो शशि के पास जाती है। आंटी जी पत्ते खेलेंगी, पत्ते। अरे दूर हो, दूर हो, तुम्हारे मुंह से तो शराब की बदबू आ रही है। अरे कंचन माना, तुम्हें मॉडर्न बहू चाहिए, लेकिन आधुनिकता का मतलब ये तो नहीं ना। बुरा ना मानना कंचन, तुम्हें पता था कि तुम्हारे बेटे की कमाई और शरीर दोनों ही ठीक नहीं है, तो तुम्हें उसी हिसाब की लड़की से शादी करवानी चाहिए थी। ऐसा कहकर सभी औरतें वहां से चली जाती है। तभी प्रियंका की माँ कंचन के घर आती है। अरे बहन जी,
बड़ी चलाक निकली आप तो, बिना बताए अपनी पियक्कड़ बेटी मेरे लायक बेटे के गले में बांध दी। आय हाय, बड़ी आई बिना बताए। उस दिन जब मैं ये बात बता रही थी तो तुम तो सुनने को भी तैयार नहीं थी, अब भुगतो तुम। ये कहकर वो मां से वापस चली जाती है। सबके जाने के बाद कंचन अपना सर पकड़ लेती है। हाय रे, आधुनिकता की अंधी दौड़ में मैं अपनी संस्कृति ही भूल बैठी थी, अब तो राम ही बचाए मुझे।